नमस्ते बच्चों, आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में देखेंगे। उससे पहले इस हिंदी साहित्य काल के बारे में कुछ बात मैं करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य में हम हिंदी साहित्य काल को हम चार विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल, और तीसरा है भक्ति काल, और चौथा है आधुनिक काल। इस भक्ति काल में भक्ति काल के अनेक कवियों ने हिंदी साहित्य को अपना देन दिया है। इस कारण से हिंदी साहित्य जो भक्ति काल है उसे साहित्य हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग माना जाता है। जैसे कबीरदास ने या सूरदास ने, तुलसीदास ने, अनेक कवियों ने इस साहित्य को अपना ही देन दिया है। और भक्ति काल में दो तरह के भक्ति हैं, एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के कवियों ने ज्ञान के मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचा है, और सगुण भक्ति के कवियों ने प्रेम मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचा है। सूरदास ने सगुण भक्ति के द्वारा, मतलब प्रेम के द्वारा, कृष्ण भगवान को पाने का प्रयत्न किया है, और तुलसीदास ने राम भगवान की आराधना की है, उन्होंने भी प्रेम मार्ग के द्वारा राम भगवान को पाने का प्रयत्न किया है। और यहाँ पर जो कबीरदास हैं उन्होंने ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचा है। इसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कबीरदास के बारे में। कबीरदास निर्गुण भक्ति पंथ के प्रमुख प्रवर्तक हैं, महान कवि हैं, उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। ऐसे कबीरदास का जन्म 1399 में काशी में हुआ। कबीरदास के असली माता पिता कौन हैं ये पता नहीं है, फिर भी उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलहा दंपतियों ने किया है। कबीर अनपढ़ थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन अनपढ़ होने पर भी वे आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान मतलब उन्हें स्वयं ज्ञान था। और कबीर के गुरु हैं रामानंद। कबीर को समाज सुधारक कहते हैं, क्योंकि कबीरदास ने उस काल में ही हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच में जो झगड़ा था उसे दूर करने का प्रयत्न किया। हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच एकता लाने का प्रयत्न कबीरदास ने किया है, इसलिए उन्हें समाज सुधारक कवि भी कहते हैं। कबीरदास के प्रिय शिष्य हैं धर्मदास, और उनके कबीरदास के सभी विचारों को तीन भागों में विभाजित किया है, साकी, सबद और रमैनी। ये तीन बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा अथवा मिश्रित भाषा अथवा खिचड़ी भाषा कहते हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, फारसी आदि शब्द मिलते हैं। इस कारण से उनकी भाषा को खिचड़ी या मिश्रित भाषा कहते हैं। यहाँ पर कुछ दोहों को दिया गया है, इसमें अनेक नीति संदेश कवि ने हम लोगों को दिया है। एक है मन की शुद्धता, शरीर की नश्वरता, और निर्गुण राम के बारे में उनकी भक्ति आदि विषयों को यहाँ दोहे के द्वारा दिया गया है, उसे हम अब देखेंगे। पहला है, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं होगा इसलिए बोर्ड में जो पांच दोहा मैंने लिखा है एक एक करके देखेंगे। सद्गुरु, पहले हम इसे पढ़ेंगे, बाद में उसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। पहला है गुरु की महिमा का वर्णन,
इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सद्गुरु के परताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। अर्थ, इसका अर्थ, इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ मैं कहती हूँ। सद्गुरु मतलब श्रेष्ठ गुरु, परताप प्रभाव से, उनके तेज से, तय मतलब से, मिटी गया, मिटी मतलब मिट गया सब दुख दर्द। कह कबीर, कबीर कहते हैं, कह कहते हैं, कबीर कहते हैं, दुविधा मिटी, दुविधा मतलब संशय या डाउट या असमंजसता, मिटी, मिटी मतलब मिट गया, दूर हो गया, गुरु मिलिया, मिलिया मिल गया, रामानंद, रामानंद कबीर के गुरु हैं। इस दोहे में कबीर दास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं हर एक शिष्य को गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु शिष्य के मन में जो भी अज्ञान है उसे मिटाकर उसे ज्ञान दिलाने का प्रयत्न करते हैं। शिष्य के मन में जो भी दर्द रहता है या संशय रहता है या दुख रहता है उसे दूर करके उसे ज्ञान दिलाने का प्रयत्न गुरु करते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को या शिष्य को किसी न किसी एक गुरु की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कबीर दास के गुरु हैं रामानंद। कबीर कहते हैं उस रामानंद गुरु के कारण से ही कबीर के मन में जो अज्ञान था उसे उन्होंने मिटा दिया है, ज्ञान दिया है कबीर को। वे कहते हैं सद्गुरु के परताप तय, सद्गुरु के प्रभाव से, उनके तेज से मिट गया सब दुख दर्द। मेरे मन में जो भी दुख था, दर्द था, उसे निवारण किया है मेरे गुरु ने। कह कबीर दुविधा मिटी, कबीर कहते हैं मेरे मन में जो दुविधा थी, किसी भी विचार के बारे में संशय था, दुविधा थी या असमंजसता था, वह सब मिट गया, क्योंकि रामानंद के कारण, गुरु रामानंद के कारण मेरे सब दुख दर्द संशय मिट गया। और दूसरे दोहे में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद, यहाँ पर भी कबीर दास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। देखिए यहाँ गुरु गोविंद, गुरु मतलब अध्यापक या आचार्य, प्राचार्य, गोविंद भगवान, दोनों, दोनों व्यक्ति, दोनों मतलब दोनों खड़े हो जाएंगे। काके लागू, काके किसके, लागू पाए, लागू पाए, पाए मतलब चरण, लागू मतलब स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना या नमस्कार करना। बलिहारी, बलिहारी मतलब न्योछावर करना, समर्पित करना या सैक्रिफाइस करना। गुरु आपने जिन गोविंद, जिन मतलब जिनके बारे में, गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बताया। इस दूसरे दोहे में कबीर दास ने गुरु की महिमा का वर्णन फिर एक बार किया है। वे कहते हैं गुरु और भगवान, अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे तो हमारे मन में एक संशय आ जाएगा कि हम पहले
किससे आशीर्वाद ले, किसका चरण पहले स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले। ऐसा एक संशय, ऐसा एक दुविधा हमारे मन में उठेगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, भगवान भी श्रेष्ठ हैं, गुरु भी श्रेष्ठ हैं। तो कबीरदास उसका समाधान यहाँ पर करते हैं, वे कहते हैं, मैं पहले गुरु का ही चरण स्पर्श करूँगा, बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले गुरु पर ही बलिहारी हो जाता हूँ, मैं अपना सब कुछ पहले गुरु पर ही समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में, भगवान को प्राप्त करने के बारे में मुझे मार्गदर्शन दिया है मेरे गुरु ने, इसलिए मैं पहले गुरु पर ही अपना सब कुछ समर्पित कर देता हूँ, या गुरु का ही आशीर्वाद पहले लेता हूँ, उनका चरण में पहले स्पर्श करता हूँ। बलिहारी गुरु आपने, मैं आप पर ही, गुरु पर ही पहले अपना सब कुछ न्योछावर करता हूँ, क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, क्योंकि भगवान के बारे में मुझे मार्गदर्शन या भगवान के अस्तित्व के बारे में मुझे बताया है मेरे गुरु ने, इसलिए मैं गुरु पर ही बलिहारी हूँ। और तीसरे दोहे में कवि ने शरीर की नश्वरता के बारे में बताया है। देखिए इसे, माटी कहई कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगो मैं रौंदूंगी तोय। यहाँ पर कवि ने मनुष्य शरीर की नश्वरता के बारे में कहा है। माटी कहे, एक उदाहरण देते हैं इसके लिए, माटी मतलब मिट्टी, कहे कहती है कुम्हार से या पॉट मेकर, तो क्या रौंदे मोय, तो क्या रौंदे, रौंदना मतलब पैरों से कुचलना, मोय मुझे, एक दिन ऐसो होएगो, ऐसो ऐसा होएगो, होएगा मैं रौंदूंगी तोय, मैं पैरों से कुचलूंगी तोय, तोय का अर्थ है तुझे। इस तीसरे दोहे में कवि ने मनुष्य शरीर की नश्वरता के बारे में विचार किया है। वे कहते हैं मनुष्य शरीर नश्वर है, कोई भी इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर कोई भी शाश्वत नहीं है, सब लोग एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को मृत्यु आने वाली है, यह सत्य विचार है। तो हम या मनुष्य इस शरीर पर घमंड क्यों करते हैं, घमंड मतलब अहंकार, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर अहंकार या अपनी संपत्ति पर अहंकार या अपनी ज़मीन पर अहंकार क्यों करना, अहंकार करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हम अपने साथ इस शरीर को या अपने साथ अपनी संपत्ति को, ज़मीन को हम नहीं ले जाते, तो क्यों इस विचार पर हम घमंड करें। जितने भी दिन हम यहाँ पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, उतने दिन हम अच्छे तरीके से, अच्छे बर्ताव से रहना ठीक बात है। वे कहते हैं मनुष्य शरीर नाश होने वाला है, एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो अहंकार मत करो, अहंकार छोड़ दो। उस विचार के लिए कबीरदास यहाँ एक उदाहरण देते हैं मिट्टी और कुम्हार का। मिट्टी और कुम्हार का उदाहरण देते हैं। कुम्हार क्या करता है, कुम्हार मतलब पॉट मेकर, कुम्हार अपने पैरों तले मिट्टी को कुचल कर एक सुंदर मूर्ति या एक सुंदर मटका बनाता है। तो उस विचार को यहाँ कवि कहते हैं कुम्हार अहंकार से मिट्टी को कुचल रहा है। तब वह मिट्टी कहती है आज तुम मुझे अपने पैरों से कुचल रहे हो,
तू क्या रौंदे मोई, तू क्या रौंदना कुचलना, आज तुम मुझे अपने पैरों से कुचल रहे हो, लेकिन दिन ऐसा ही नहीं रहेगा, एक अच्छा दिन मुझे भी आएगा, एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा ही एक दिन मुझे भी आएगा, जिस दिन मैं रौंदूंगी तोई, मैं उस दिन तुझे कुचलूंगी, तुझे रौंदूंगी, मतलब मिट्टी कहती है कुम्हार से, आज तुम मुझे कुचल रहे हो, लेकिन ऐसा ही समय नहीं रहेगा, एक न एक दिन मैं तुझे कुचलूंगी, मतलब मनुष्य जब मरता है तो उसका शरीर इस मिट्टी में ही मिल जाता है, इसलिए अहंकार मत करो, अहंकार छोड़ दो, वह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक बात नहीं है, मनुष्य जीवन नश्वर है, शाश्वत नहीं है। और अगला है चौथा दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मनुष्य का मन जो है उसे शुद्ध रखने के लिए कबीरदास एक विचार यहाँ कहते हैं कि निंदक लोगों को हम अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि निंदक लोग हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, हमारे स्वभाव को बदलने का एक अवसर या मौका वे हमें देते हैं। उसके बारे में यहाँ बताया है कबीरदास ने, निंदक नियरे राखिए, निंदक लोग, निंदा करने वाले लोग, नियरे पास समीप राखिए, रख लीजिए, आंगन कुटी चबाए, आंगन हमारे घर के आंगन में कुटी चबाए, कुटी मतलब कुटिया अथवा झोंपड़ी, चबाए बनाकर, कुटी बनाकर, बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी, बिन पानी, पानी और साबुन के बिना निर्मल करे, निर्मल स्वच्छ करता है स्वभाव, स्वभाव हमारे स्वभाव को स्वच्छ करता है। कबीरदास कहते हैं हमें निंदक लोगों को हमारे पास रख लेना चाहिए, क्योंकि निंदक लोग जब हम गलतियां करते हैं तो वे लोग हमारे गलतियों को निंदा करने के द्वारा हम दोबारा उस गलती को ना करने जैसे हमें एक मौका वे देते हैं, हम अपने स्वभाव को सुधारने का मौका निंदक लोग करते हैं, इसलिए कभी कहते हैं निंदक लोगों को हमें अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर, एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर उन लोगों को रख लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे स्वभाव को सुधारते हैं, स्वभाव मतलब स्वभाव, जिस तरह से हम अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे मन को स्वच्छ करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता नहीं है, इन निंदक लोगों के द्वारा ही हम मन स्वच्छ कर सकते हैं, कैसे, उनकी निंदा सुनकर हमें डर लगता है कि अगर हम कुछ गलती कर दे तो वे हम लोगों को भी निंदा करेंगे, उनकी निंदा के डर से ही हम गलतियां करना छोड़ते हैं, हमारे स्वभाव को सुधार लेते हैं। और पांचवा दोहा, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस पांचवें दोहे में कबीरदास ने भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में कहा है। कबीरदास कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, हर एक व्यक्ति के मन में भगवान है, आत्मा में भगवान बसा हुआ है, हर एक वस्तु में या हर एक जीव में भगवान का अस्तित्व है, उसके लिए यहाँ पर उदाहरण भी वे देते हैं, पहले इसे पढ़िए और उसका
कठिन शब्द का अर्थ समझ लीजिए। कस्तूरी कुंडली बसई, कस्तूरी मतलब कस्तूरी मृग, कुंडली नाभि, बसई बस्ती है, मृग ढूंढे, कस्तूरी मृग ढूंढे ढूंढती है, वन माही वन 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 में ढूंढती है। ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे घटी घटी मतलब देह राम भगवान है, दुनिया देखई नाही, नाही का अर्थ है नहीं। कबीरदास ने यहाँ भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में कहा है। कबीरदास कहते हैं, जिस तरह से कस्तूरी मृग जिसके नाभि में एक सुगंधित वस्तु है, एक सुगंध है, लेकिन उस मृग को पता नहीं है कि उसके नाभि में ही सुगंध है, वह मृग क्या करता है, कहाँ से वह सुगंध आ रही है, ऐसा वह जंगल में घूमती फिरती है, भटकती रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी पता नहीं है कि उसके मन में ही, उसके आत्मा में ही, दिल में ही भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। हर एक जीव में या अणु अणु में, हर एक वस्तु में, हर जगह पर भगवान है। इसे जाने बिना ही मनुष्य भगवान को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहता है, मंदिर में देवालय में भगवान को ढूंढते हुए फिरता रहता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे मन में ही है, हमारे आत्मा में ही बसा हुआ है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कस्तूरी मृग का उदाहरण यहाँ पर कबीरदास ने दिया है। कस्तूरी मृग सुगंधित वस्तु को ढूंढते हुए वन में घूमती है, उसी तरह मनुष्य भी भगवान को ढूंढते हुए मंदिर में घूमता रहता है। वह वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह में भगवान है, स्वयं अपने आत्मा में ही भगवान है, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इस पांचवें दोहे में कबीरदास ने भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में बताया है। इस तरह हमने पांच दोहे को यहाँ पर दिया है। अगले पांच दोहे अगले क्लास में देखेंगे। सभी को धन्यवाद।